वंदे मातरम को लेकर ममता को तो निशाना बनाते हैं मगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं। वंदे मातरम का राजनीतिकरण इस मोड़ पर पहुंचेगा, राजनीति करने वालों ने कभी सोचा नहीं था। उन्हें सुविधा है कि मीडिया इस मामले पर उनकी सुविधा का ख्याल रख रहा है और छोड़ दे रहा है इस मसले को। सुशील महापात्रा ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बात की। केसी त्यागी खुलकर अपनी बात कहने वाले नेता हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए की रैली में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे नहीं लगने चाहिए, यह नारा जनसंघ और बीजेपी का है। उन्होंने तो यह भी कहा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय एनडीए के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद क्या प्रधानमंत्री कह सकेंगे कि आप जेडीयू को वोट ना दें, क्योंकि जेडीयू को एनडीए की रैली में वंदे मातरम से एतराज है, लेकिन केसी त्यागी को अपनी बात कहने से कोई एतराज नहीं है। सुनिए इस बात को। आपने ये कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो एनडीए का नेता है और भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी है, ना ही गिरिराज सिंह, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आवारा नेता। देखिए, 40-45 साल से हम जनसंघ के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से जुड़े रहे। जिस तरह की भाषा इस समय कुछ लोग बीजेपी की आड़ में या उसके अनुसांगिक संगठन होने के नाते बोलते हैं वो आपत्तिजनक है, वो गलत है और हम उसको सही नहीं मानते। अच्छा, आप इसको सही नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार जी जो हैं, क्या वो वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे से क्या सहज महसूस नहीं कर रहे हैं? आपने देखा होगा अभी दरभंगा के रैली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा दे रहे थे तो नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए थे, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। क्या ऐसे नारे से वो सहमत नहीं है? समाजवादी आंदोलन में हम कार्यकर्मों के नारे लगाते थे, लोहिया जी के आंदोलन में भी और जेपी के 74 के आंदोलन में भी, जिसके जो नारे हमारे दिल के और जज्बातों के करीब है। हमारे नारे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में है महंगाई, महंगाई और भ्रष्टाचार, सत्ता सबकी जिम्मेदार, भारत माता की जय या वंदे मातरम से हमें परहेज नहीं। लेकिन ये नारे किसी को थोपने के बजाय ये जो लगाना चाहते हैं उनको लगाने दें, जो ना लगाएं उनको ना लगाने दें, लेकिन ये राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में माने जाएंगे या राष्ट्र की राष्ट्रीयता के रूप में माने जाएंगे ऐसा करके हम नहीं मानते। यद्यपि वंदे मातरम का नारा आज़ादी के आंदोलन में उन मतवालों के मुंह से भी निकला है जो फांसी पर भी चढ़े, जिन्होंने यातनाएं भी सही, जिन्होंने तकलीफ भी सही। इसलिए ये नेशनलिटीज को भी छोड़ देना चाहिए, जैसे इस्लाम के अंदर है, वो उनका मजहब जो है किसी और चीज को पूज्य मानने के पक्षधर नहीं है। जो मुस्लिम बोलना चाहते हैं बोले आजादी की लड़ाई में भी, 71 के युद्ध में भी, कारगिल में भी, 65 के युद्ध में भी कई प्रोमिनेंट मुस्लिम्स ने अपनी जान दी। अगर वंदे मातरम की जगह देश की जय बोलना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। तो आपको यही लगता है कि इस नारे के जरिए जो है वो वोटर्स को निभाने की कोशिश की जाती है या फिर इमोशनली जो है एक हिंदू वोटर को ब्लैकमेल नहीं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, जनसंघ के भी कार्यक्रमों में ये नारे चलते रहे हैं, चूंकि हमने उनके साथ काम किया। आपातकाल में जेल में भी संघ के और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता नेता नारे लगाते हैं, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये एनडीए के संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं।